लेकिन बाकी और काम युवाओं के लिए और सब इसके लिए, नौकरी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इस पे बात होनी चाहिए। आज युवा जो भटक रहे हैं दर दर, अगर बेरोजगारी नहीं होती आज युवा क्यों भटकेगा? सर्टिफिकेट लेके पढ़ाई करके घूमता है युवा, अगर नौकरी नहीं है तो भाई तभी तो घूम रहा है। जैसे हिसाब से महंगाई ने डबल तरक्की कर लिया, कई उछाल आ गया, इसलिए महंगाई बहुत ज्यादा हो गई और कमाई कम हो गई इंसान की। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूं चांदनी चौक के इलाके में, जो कि एक लोकसभा सीट है और यहां पर इंडिया गठबंधन की तरफ से जेपी अग्रवाल उतरे हुए हैं और वहीं पर ही इसके विपक्ष में बीजेपी की तरफ से प्रवीण खंडेलवाल उतरे हुए हैं। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त गौरी शंकर मंदिर के सामने हूँ और यहाँ पर हम लोगों से चर्चा करेंगे चलते फिरते कि वो किसकी सरकार को पसंद कर रहे हैं इस बार। तो आइए देखते हैं, लोग बागों से बात करते हैं, किसको पसंद कर रहे हैं, किससे लाना चाहेंगे, लोकसभा चुनाव में किसको देखना पसंद करेंगे, इस बार चुनाव में किसकी सरकार को पसंद करेंगे? मोदी जी की करेंगे साहब। मोदी जी की सरकार को पसंद करेंगे, कुछ काम बताइए आप उनके। हमको तो पसंद वो है, तो शुरू से बीजेपी को वोट दी हमने। मोदी जी की हमको कोई मतलब ना करें ना करें। तो साहब मोदी जी की फेस पे ही दे रहे हैं वोट, और फिलहाल जे है कि मोदी अच्छे ही काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर। राम मंदिर सबसे बढ़िया लगा। राम मंदिर से आपको रोजगार वगैरह मिला, क्या लगता है? नहीं, हम तो मथुरा के रहने वाले, हमको कोई रोजगार मिलेगा वहां से? पर हमको अच्छा लगा हमारे धर्म का, मतलब जो होता है ना, हमारा मंदिर जो था वो बन गया, हमको इस बात से बहुत बड़ी खुशी है। क्या काम करते हैं आप? इन चीजों को मैं नहीं मानता, ना मैं समझता हूँ क्या होता है, मैं इतना मतलब ध्यान नहीं देता हूँ मुझको। पर शुरू से हमने बीजेपी को ही वोट दिया, उसको ही देते हुए आ रहे हैं। हमारे घर में हमारे पिताजी शुरू से बीजेपी को देते आ रहे हैं, हम छोटे छोटे थे आज तक हम बीजेपी को देते, हमको जो बताया। हम तो चाहते हैं जो युवाओं के लिए स्कूल का, रोजगार का, जो मुद्दा स्वास्थ्य का हो, उसकी सरकार आनी चाहिए। सबको देश में सबको मौका मिलना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अच्छा अगर काम करते हैं युवाओं के लिए, उनको भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन क्या है कि वो आज भाई देखो बेरोजगार है, बाकी और कुछ अच्छे काम मोदी ने जो जो किए हैं उसको तो अच्छा कहा जाएगा, जैसे और सब जो अच्छे काम किए जो दिख रहे हो तो ठीक है, लेकिन बाकी और काम युवाओं के लिए और इसके लिए, नौकरी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इस पे बात होनी चाहिए। क्योंकि देखो रोजगार क्या होता है, देश का तरक्की तब होता है जब देश का युवा जो अगर तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा, तब देश तरक्की करता है। मोदी सरकार तो ये कह रहे कि हमने बेरोजगारी दर भी कम कर दिया, 80% से ज्यादा लोग मतलब गरीबी हटा दी है। आंकड़े में क्या होता है, आंकड़े में ऐसे कहा जाता है ठीक है थोड़ा बहुत होता है चलो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो पाया है। आज युवा जो भटक रहे हैं दर दर, अगर बेरोजगारी नहीं होती आज युवा क्यों भटकेगा? सर्टिफिकेट लेके पढ़ाई करके घूमता है युवा, अगर नौकरी नहीं है तो भाई तभी तो घूम रहा है। हाँ जाहिर सी बात है, कुछ काम चलो ठीक है ठीक, किसी की आस्था पे उससे बात नहीं होनी चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश का जो तरक्की करे उस पर जनता वोट करे, जिसको जनता जिसको लगे हमारा हित भला होगा भैया उसको वोट करे, हम तो ये कहेंगे सबका भला होना चाहिए। आप किसकी सरकार को पसंद कर रहे हैं? सबको मौका मिलना चाहिए, देश की युवा 140 करोड़ जो है जिसको चुनेगी वो देश का नेता जो प्रधानमंत्री। नहीं महंगाई नहीं कम हुई सर, महंगाई नहीं कम हुई, महंगाई नहीं कम हुई है। रोजगार देखो रोजगार तो बढ़ा नहीं है सर, बढ़ा होता तो देख जाता, क्योंकि महंगाई इस हिसाब से रोजगार नहीं बढ़ा हुआ है। इस हिसाब से महंगाई ने डबल तरक्की कर लिया, कई उछाल आ गया, इसलिए महंगाई बहुत ज्यादा हो गई और कमाई कम हो गई इंसान की। कमाई कम हो गई है 5 किलो है, तो जैसे जिसकी कमाई धमाई कम है उसके लिए सही होता है, जैसे कम कम जिसकी आमदनी कम है उसके लिए चलो ठीक है राशन दे रहे हैं, जो जिसके पास भाई आमदनी नहीं उसको दे रहे हो तो अच्छा कर रहे हैं। मोदी जी इसके लिए नहीं कहेंगे, जो राशन दे रहे हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं इसके लिए, लेकिन इसके साथ साथ जो युवा पढ़ लिख लेता है उसके लिए क्या उनकी स्कीम है बता देना चाहिए देश को, और बाकी पता भी चलना चाहिए।